पूछना था, मेरे को डाउट था आपसे, इसके लिए मैंने उधर से फॉलो किया। सवा चार बजे गाड़ी निकला खाने बिना खा के, तो खाना खाने के बाद मुझे पहला ट्रिप लगा उबेर की तरफ से जो था एयरपोर्ट का, जो लगभग 11 किलोमीटर था, तो उसका मुझे 175 मिला। 11 या 13 किलोमीटर था तो उसका मुझे 175 मिला। वापस यहाँ से मुझे बुकिंग आया एयरपोर्ट से, बट इसके ऊपर अभी ड्रॉप लोकेशन मुझे नहीं पता, तो अभी मुझे डाउटफुल ये बुकिंग विरार या बदलापुर साइड का ही होगा। मुझे तो विरार का ही लगता है, क्योंकि जब भी ऐसा बुकिंग आता है तो विरार का ही है, नाला सुपरा विरार ऐसी जगह का ही बुकिंग जब आता है तभी लोकेशन ड्रॉप लोकेशन नहीं बताते इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं हूँ फिलहाल एयरपोर्ट पे, ये एयरपोर्ट और पैसेंजर का भी T2 पे ड्रॉप किया। पता नहीं कहाँ पे बुकिंग पैसेंजर का, होटल के अंदर है शायद। ठीक है, देखते हैं गाइस। अभी 3 ट्रिप कंप्लीट हो गया प्रमोशन के लिए, प्रमोशन को और 3 ट्रिप बाकी, तो हमें उसका 125 मिल जाएगा। तो पहली बार अभी तक ऐसा कभी, जब भी उबेर का प्रमोशन है तो सुबह 4 बजे से चालू होता है, आज पहली बार देखा तो सुबह 11:30 बजे प्रमोशन चालू किया उन्होंने। तो यहाँ से शायद अभी बुकिंग है शायद होटल से, तो गाइस लेते हैं होटल से और मुझे बुकिंग लेते हैं। और मुझे 99% लगता है ये विरार नाला सुपर का बुकिंग होगा गाइस, क्योंकि इसके ऊपर ड्रॉप लोकेशन दिखाया नहीं उबेर ने। देखते हैं कहाँ का पिकअप है गाइस। मुझे लगा ट्रिप था दहिसर का, बट ट्रिप निकला साइंस सर्कल के यहाँ पे, तो पता नहीं ड्रॉप लोकेशन क्यों नहीं बताने। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको ड्रॉप लोकेशन नहीं दिखाएगा तो ये नाला सोपरा वसई विरार बदलापुर ऐसे जगह का ही ड्रॉप देता है जितना तक कि मुझे पता है। ठीक है, तो अभी ये साइंस सर्कल का ड्रॉप था 11 किलोमीटर का, तो उसका मुझे मिला 145। अभी यहाँ पे मैं हाईवे के ऊपर आके खड़ा हूँ और मेन पैसेंजर को हाईवे के जरिए कॉर्नर पर छोड़ दिया। अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ, देखते हैं यहाँ से बुकिंग मिलता है कि नहीं। अभी ओला मैंने चालू किया था एयरपोर्ट पे, ओला से मुझे बुकिंग, ये लोगों वापस मुझे बुकिंग आया गाइस अंधेरी से, पता नहीं अंधेरी और कांदिवली में ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग आया उबेर की तरफ से। तो ये उबेर का 5वां ट्रिप है, इसको फटाफट कंप्लीट करते, मतलब ज़्यादातर क्या आज अंधेरी मालाड़ कांदिवली वहीं पर ज़्यादा बुकिंग है। चलो अच्छा वहाँ पर भेज दे, मतलब वहाँ से ताबड़तो हमें बुकिंग मिल जाएगा, 6वां ट्रिप हो जाएगा, तो हमारा 125 का जो प्रमोशन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये अभी जो अभी ट्रिप ले मैं एक्सेप्ट किया अंधेरी का, ये 5वां ट्रिप है उबेर की तरफ से, ओला की तरफ से एक ही ट्रिप मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखते हैं इसको फटाफट पिकअप करते और ड्रॉप करते, देखते हैं उसका भी कितना गाइस। जैसा चाहिए वैसा पिकअप मिला नहीं, सुबह शाम को 4 बजे से लेकर अभी तक जितना अर्निंग होना चाहिए था गाइस उतना अर्निंग हुआ नहीं, और ट्रिप मिले सब बट सब 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर का। जो अंधेरी का गैस ट्रिप मिला था मुझे 18 किलोमीटर का गैस 260 मिला। ठीक है, बाद में मतलब जितने भी मुझे बुकिंग मिले गए सब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब अंधेरी मालाड यहाँ जू के जो ट्रिप मिले, तो उससे ज़्यादा मेरा सब टाइम चला गया और मेरा अर्निंग गैस सच में बहुत ही कम हो गया। उसके बाद में गैस मुझे मिला जू में एक ट्रिप मेरे पास आया था। ठीक है, मतलब पैसेंजर को मैंने पिकअप करने गया था, पैसेंजर के सामने खड़ा पैसेंजर को दिखना था, पैसेंजर ने ट्रिप को कर दिया कैंसिल, तो उसका मुझे कुछ तो 2200 रुपया कैंसिलेशन चार्ज मिला। और वहाँ से मुझे मिला गाइज एक ट्रिप जो था घाटकोपर, जो लगभग 14 किलोमीटर था, तो उसका गाइज मुझे मिला 193। ठीक है, मतलब 14 किलोमीटर का अर्निंग अच्छा हुआ, बट एक एक घंटा गाइज मुझे एक एक ट्रिप में लग गया। और घाटकोपर से गाइज मुझे बाद में लास्ट ट्रिप जो मुझे मिला जो था मानसरोवर अपना कामोटे, तो कामोटे का गाइज लगभग 31 किलोमीटर था, तो उसका मुझे मिला ओला की तरफ से 329। और इसमें एक बात गाइज और मैं नोटिस किया कि मेरा उबेर का पाँच ट्रिप कंप्लीट हो गया था, एक ट्रिप के लिए उबेर मुझे बुकिंग अभी तक दे नहीं रहे। तो गाइज एक ट्रिप के लिए मुझे उबेर तरसा, मतलब 5 ट्रिप कंप्लीट हो गया। मैं सोचा कि मेरा और एक प्रमोशन, मतलब एक ट्रिप हो जाएगा तो मुझे 125 मिलेगा, उसके बाद मैं गाइज और 2 ट्रिप कंप्लीट करूँ ताकि मुझे जो 55-75 जो भी मतलब 125 अलग से मिल जाएगा। मतलब टोटल अभी मुझे अगर एक टोटल अगर 3 ट्रिप करता हूँ तो लगभग गाइज मेरा 250 रुपये के लगभग मेरा प्रमोशन हो जाएगा, बट उबेर ट्रिप ही दे नहीं रहे। अभी भी मैंने कामोट मतलब कंटिन्यू मुझे अभी ओला की बुकिंग आ रही है, सुबह से मुझे ओला का बुकिंग नहीं आ रहा था, बाद में कंटिन्यू मुझे आ रहा था ओला का बुकिंग, अभी ओला का बुकिंग मैंने अभी यहाँ पे कामोटे में भी मैंने ड्रॉप किया। अभी यहाँ से भी गाइज मुझे लगा है कलवा का ट्रिप। ठीक है, अभी कलवा का ट्रिप मुझे लगा, अभी यहाँ से देखते, मतलब उबेर तो बज ही नहीं रहा, मैंने सोचा अभी और सुबह 4 बजे तक मुझे ये ट्रिप कंप्लीट करना है। अभी देखते हैं अभी कभी तक होता है, मुझे नहीं लगता है कि आज का एक भी ट्रिप मिलके मुझे जो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। और गाइज अभी बज रहे आप देख सकते हो 10:55 बज रहे घड़ी के अंदर आप, और 10
गाइस घड़ी के अंदर आप देख सकते हो 10:35 बज रहे रात के, और मैं अभी इस वक्त कामटे में पैसेंजर को ड्रॉप किया। अभी यहाँ पे मुझे होटल के यहाँ पे एक पैसेंजर का ड्रॉप है, एक मिनट का डिस्टेंस बता रहा है, पैसेंजर को पिकअप करते हैं और मैं डायरेक्टली आपको मिलता हूँ अभी गाइस कलवा में, और देखते हैं इसका कितना अर्निंग होता है। मतलब अभी मुझे और गाइस 8 घंटे निकालने के, 7.5 घंटे, जैसे मैंने आपको बताया कि चैलेंज मैंने किया था सुबह 6 बजे तक, तो 6 बजे तक देखते हैं मेरा कितना टोटल अर्निंग होता है। और मुझे किसी भी हालत में उबेर का प्रमोशन लेना है, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा। मतलब इतना मेहनत करके कुछ मतलब नहीं, उबेर एक ट्रिप नहीं दे रहा मेरा जो प्रमोशन मेरा कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो भी ट्रिप मुझे उबेर नहीं दे रहे। अभी मैं आपको दिखा, तो मैं अभी इस वक्त गाइस कामोटे के अंदर, जैसे कि जहाँ पे मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया और यहाँ पे मुझे बुकिंग आ गया, ठीक है। तो अभी सामने पैसेंजर है, तो पैसेंजर को लेते गए और मिलते कलवा में, आपके कलवा में आपसे। अभी देखते टोटल आज का मेरा अर्निंग क्या होता है गैस, ठीक है। तो बने रहिए गैस ब्लॉग में, ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने लगा। अभी सुबह रात की निकलने मेन दिक्कत, हमें कितना बुकिंग मिलता है, जो टारगेट मैंने सोचा है गैस 5,500 का, देखते कंप्लीट होता है या नहीं होता है। तो आपको ही बताना गैस कमेंट करके मेरा टोटल लास्ट का अर्निंग कितना हो गया, लेकिन जो मैंने सोचा वो टारगेट कंप्लीट करने की मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ गैस, ठीक है। अभी फटाफट पैसेंजर को लेता हूँ, पिकअप करता हूँ और आपको मिलता हूँ गैस कलवा में, क्योंकि कंटिन्यू अभी ओला के बज रहे थे शाम से, उबेर का बजना बंद हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद मैं एक लास्ट ओला का मारूंगा, उसके बाद मैं उबेर का कंटिन्यू चालू रखूंगा, क्योंकि मुझे 4 बजे तक कंप्लीट करना है उबेर की जो प्रमोशन, ठीक है गैस। मिलता हूँ आपको मैं पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद। तो गैस पैसेंजर को अभी यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया कलवा में, जो मुझे कामोटे से कलवा का ट्रिप था लगभग 29 किलोमीटर, और उसका मुझे गैस मिला 287 रुपीज़। अभी जरा रात के गैस बज रहे 11:45, जरा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख जोरों से लगी है। जो टिफ़िन लेके आया था वो खा लिया था मैंने, अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। उबेर का जो हमारा अभी मतलब एक ट्रिप पे मिलेगा 125 रुपया, और अगर 4 ट्रिप कंप्लीट करेगा तो भी मिलेगा उसका 125 रुपया। तो टोटल अगर 5 ट्रिप कंप्लीट करता हूँ तो गैस मुझे मिलता है लगभग 250 रुपया। अभी मैं पूरा फोकस करूँगा उबेर के ऊपर, ठीक है। अभी मतलब 12 बजने को है गाइस, अभी थोड़ा खा लेके उसके बाद 12 बजे थोड़ा बहुत चालू का कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद 12 बजे ऐप को चालू करता हूँ, उबेर को ओला को थोड़ी देर बंद रखता हूँ, देखता हूँ उबेर से अगर बुकिंग मिलता रहेगा एटलीस्ट एक तो मेरा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम एक भी ट्रिप अगर कंप्लीट होता है तो मुझे 125 रुपये उसका अर्निंग मिल जाता है, ठीक। और उसके बाद में अगर दो और करूँगा तो फिर कुछ तो 55 और दो करूँगा तो 75 से कुछ तो है, ठीक है। तो बाद में बात, बट अभी उबेर से मैं तो शाम को कुछ भी बुकिंग नहीं मिला, मतलब 5 ट्रिप मैंने कब का कंप्लीट किया। अगर गैस अगर ट्रिप अगर बड़ा बड़ा मिलता ना गैस, अभी ये जैसा कामोटे का मुझे मिला वो 30 किलोमीटर का, 45 मिनट्स लगा गैस यहाँ पे आने को, 300 रुपये का आने को। बट जो शाम को मुझे जो बुकिंग मिल रहा था गैस, तो सब 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर, और जो टाइम मुझे लग रहा था गैस 50 मिनट्स 55 मिनट्स, और मेरा अर्निंग जो हो रहा था 170-190 उतना मेरा अर्निंग हो रहा था, उधर ही मेरा सबसे बड़ा टाइम वेस्ट वहाँ पे हो गया मेरा। और आज सुबह से मैं कांदिवली मालाड जुहू वहीं पे मेरा सुबह से ट्रिप चालू है। अभी जस्ट नवी मुंबई में थोड़ी देर पहले मतलब पनवेल का मुझे ट्रिप मिला था, बाकी पूरा दिन आज का मेरा वेस्टर्न में ही गया, ठीक है। इसके लिए उतना मेरा टाइम आज वेस्ट हो गया, नहीं तो अगर यहाँ पे नवी मुंबई की तरफ मिल जाता तो अच्छा खासा अर्निंग हो जाता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गए कुछ तो है खाने के लिए, तो यहाँ पे कुछ खा लेते पहले, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी, क्योंकि बिना खाए पिए काम होगा नहीं, तो पहले खा लेते फिर बाद में काम करते। और 6 घंटा बचा गए, मतलब हमारा लगभग गाइज हमने आज सुबह 6 बजे से लेकर 18 घंटे कंप्लीट कर दिए, जो 24 आवर्स का चैलेंज है, जो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपसे नहीं होगा, सच में आप नहीं कर पाओगे, तो उनके लिए ये चैलेंज है कि मैंने करके दिखाया, और मैं करता था और करता बहुत बार, मैंने करके भी दिखाया, ठीक है। एक आध बार हो गया रहेगा नहीं हो रहेगा, क्योंकि ट्रिप नहीं मिलता ना गैस तो काम करने में मज़ा नहीं आता है। बट अब भी कंटिन्यू ओला का भी बज रहा है, मतलब काम जब पैसा मिलता ना गैस तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने जैसे लास्ट टाइम ही चैलेंज किया था कि अगर कंटिन्यू बुकिंग मिलेगा ना गैस में तो कंटिन्यू पूरी रात या दिन में भी काम करते रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम, मतलब आज मैं पूरी दिन बैठा ही नहीं, बस दोपहर को 1 घंटा थोड़ा रेस्ट किया बस उतने, उसके बाद मैं कंटिन्यू गैस, आप मेरा जितने भी स्क्रीनशॉट देख लो, टाइम देख लो, मतलब आपको पता चलेगा पैसेंजर को ड्रॉप करने के मेरे को ताबड़तोड़ बुकिंग है, और उसी पैसेंजर को बुक पिकअप करके मैंने ड्रॉप किया, मतलब कंटिन्यू, मतलब कहीं पे बैठा नहीं, ठीक है। तो ये मेरा काम करने का तरीका है, क्योंकि बोल रहे थे काफ़ी लोग जो ऐसे नेगेटिव कमेंट करते कि सचिन आपसे नहीं होगा, 24 आवर्स नहीं होगा आपसे, तो उनके लिए चैलेंज है कि आपके भाई ने आपके लिए चैलेंज किया था और करके दिखाया, कंप्लीट करके दिखाया करके, ठीक है। तो गाइस कुछ खा लेते, मिलता आपको थोड़ी देर के बाद में।
गाइज हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमें फॉलो करते करते यहाँ पे मिल गए। क्या नाम है भाई आपका? एमडी खादिम। कहाँ पे रहते हो? मैं बिटावा में रहता हूँ। भाई मैं कलवा नाका में अभी पैसेंजर को ड्रॉप किया, भाई ने मेरा गाड़ी देखा पीछे से, और मैं यहाँ पे अभी कलवा नाका पे यहाँ पे गाड़ी रोका, तो भाई आके मैं जिस गाड़ी को लॉक कर रहा था तो भाई ने मुझे बोला आप सचिन भाई, मैं ला रहा हूँ। तो भाई मेरा वीडियो भी देख रहा था और मेरे को बताया करके, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे सब्सक्राइबर हमको इतना प्यार से भाई हमारे मिलते, और भाई ये तो ये गाड़ी चलाते भाई, तो भाई का गाड़ी है और भाई का खुद का दो गाड़ी है, ओला में चलता उबेर में चलता, सब वीडियो मेरे देखते हो, सब वीडियो मेरे देखते हो आप, सब वीडियो देखते हैं। भाई ने मेरी गाड़ी पहचान ली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। क्या नाम आपने बोले? एमडी खादिम। भाई बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा। क्या बोलोगे आप मेरे बारे में? बस आपका वीडियो मैं रोज देखता हूँ और अच्छा लगता है देखने के लिए, मतलब आप जो बताते हैं आप इतना अर्निंग हो गया, ये हो गया, सब बहुत अच्छा लगता है। देखा गाइस ये हमने कमाया पूरे, तो बोलते ना यूट्यूब में आपने क्या कमाया, तो ये कमाया, मतलब आज हमारे भाई हमारी गाड़ी देख के भी हमको पहचान लेते हैं। मतलब रात के गए कितने बज रहे? अभी 12:15 बज रहे, कई 12:15 बजे रात के बीच भाई भी गाड़ी चल रहे थे, गाड़ी भाई चला के आ रहे थे काम पे से, मेरी गाड़ी पीछे से देखा, भाई ने मुझे फॉलो कर मुझसे आके मिल गया, तो सच में बहुत अच्छा लगा। और सच में भाई बहुत दिल से अच्छा लगा आपसे मिल के हमको, कभी भी कुछ मिलना था आपसे, मैंने अभी उधर पैसेंजर को आप ड्रॉप किया, वही अभी भूख लगा, रात को गए 12:15 बजे, अभी तक कुछ खाया नहीं, मैंने बोला वो कुछ खा लेते करके, और भाई उतने में आके बोले सचिन भाई की मैं लहा करके, अच्छा लगा सच में अच्छा लगा। तो गाइस जस्ट अभी खाना ना खा लिया और अभी जस्ट निकलते, और दोनों ऐप चालू किया तो डायरेक्ट मुझे पहले बुकिंग है, मुझे ओला का ही डोंबिवली का बुकिंग है, बट क्या उबेर कुछ आज बुकिंग देने वाला नहीं मुझे ऐसा लगता है करके, ठीक है एक ही ट्रिप बाकी है मेरा उस प्रमोशन के लिए, बट उबेर मुझे ट्रिप नहीं दे रहा और सुबह 4 बजे तक देखते मिलता है नहीं मिलता। और फिर से एक बार थैंक्स खादिम भाई को जो बेचारे मेरे पीछे पीछे इतने देर तक पीछे पीछे और फॉलो किए, मतलब अच्छा लगा काफ़ी दिल को। ठीक है तो गाइस अभी निकलते, गाइस अभी बज रहे गाइस रात के 12:15 गैस बज रहे, देखो आपको दिखता होगा गैस, गैस रात के 12:15 बज गए, अभी हम लोग निकलते फटाफट, पैसेंजर का आ रहा है फोन, डोमली का ड्रॉप है, फटाफट पिकअप लेते हैं और ड्रॉप करते हैं, देखते हैं उसका भी कितना अर्निंग होता है गैस। 1 hour later एक ट्रिप हमें चाहिए उबेर की तरफ से, बट उबेर की तरफ से एक भी मुझे अभी तक बुकिंग आ नहीं रहा है। मैंने अभी जो कलवा से ओला का जो बुकिंग लिया था डोंबिवली का, और लगभग 27 किलोमीटर था, तो उसका मुझे 314 मिला, अर्निंग अच्छा मिला ओला की तरफ से भी, बट उबेर का अभी भी ऐप बज रहा नहीं। मैं अभी वहाँ से डोंबिवली को स्टेशन के अभी पैसेंजर को ड्रॉप किया, वहाँ से मैं आया, मैंने उबेर चालू किया, मैंने बोला एक ट्रिप अगर मिल जाता है तो मेरा 125 का अर्निंग बंद हो जाता है, तो कुछ मतलब बुकिंग आने का नाम ही नहीं, पता नहीं प्रमोशन देने उबेर को नहीं पता नहीं। और अभी गाइस बज रहे 1:35, आप देख सकते हो घड़ी के अंदर 1:35 हो गए, और मैं अभी यहाँ पे जस्ट डोंबिवली कॉर्नर कटाई नाके पे पहुँचा हूँ, और हमें निकालना 4 घंटा, और आँखों में इतनी नींद आ रही कि पूछो मत, तो भी हम 4 घंटा कंप्लीट करेंगे, देखते हैं कौन सा बुकिंग आता है। उबेर का बुकिंग आया तो वेल एंड गुड, हमें प्रमोशन मिल जाएगा और हमारा अर्निंग भी अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है तो थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं कौन सा बुकिंग आता है। डोंबिवली में हूँ एक्सप्रे मॉल के यहाँ पे, और गाइस अभी आप देख सकते हो घड़ी के अंदर सुबह के बज रहे 4:30 बज रहे, कोई भी बुकिंग नहीं है, मतलब रात भर गाड़ी के अंदर ही था, और आज ठंड इतनी थी कि पूछो मत गाड़ी के अंदर। और गाइस मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ, इतनी ठंड है कि पूछो मत, मतलब वहाँ पे ड्राइवर सीट के ऊपर पीछे मतलब सब कंफर्टेबल होता नहीं, इसलिए इस सीट पे आके बैठ गया मैं, और काफ़ी ठंड लग रही थी रात को हद से ज़्यादा। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी ओला उबेर की, जो मतलब बहुत सारे से पीछे गाड़ियाँ खड़ी लाइन से, मतलब पता नहीं जो लास्ट मैंने बुकिंग मारा वही, उसके बाद में मेरा अभी भी गाइस दोनों ऐप ऑनलाइन है, एक भी मतलब अभी तक मैंने बंद स्विच ऑफ नहीं किया, दोनों ऐप ऑनलाइन है, अभी तक एक भी बुकिंग नहीं। सुबह के 4:30 बज रहे, और 1.5 घंटा देखते अगर कोई भी छोटा मोटा, मैं उबेर का इंतज़ार कर रहा हूँ, उबेर के ऐप से अगर कोई मुझे बुकिंग आ जाए तो मेरा एक प्रमोशन हो जाए, बट उबेर के ऐप से भी बुकिंग कोई नहीं आ रहा, तो ठीक है और देखते हैं 1.5 घंटे में कोई बुकिंग आता है नहीं। जैसे मैंने बताया था कि मैं 6 बजे के पहले जाऊँगा नहीं, गाड़ी में सोऊंगा अगर बुकिंग नहीं होगा तो, और ठंड इतनी कि हद से ज़्यादा ठंड हो रही है आज की पूछो मत, तो देखते गए और 1.5 घंटे वेट करते गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 24 आवर चैलेंज कंप्लीट करूंगा सुबह 6 बजे से लेके 31, सुबह 6 बजे से लेके फेफ के सुबह 6 बजे तक मैं चैलेंज कंप्लीट करूंगा। सुबह के बजे अभी 6, मैं आपको दिखा देता हूं गाड़ी रुका के, क्योंकि मैं अभी निकल गया हूं, क्योंकि रात भर से गाइस मैं रुका था ट्रिप के लिए, बट कोई मुझे ट्रिप मिला नहीं। ठीक है जो मैंने लास्ट ट्रिप गाइस कंप्लीट किया था डोंबिवली को, उसके बाद से गाइस मुझे कोई ट्रिप मिला नहीं, मैंने अभी जस्ट कर दिया ऐप को ऑफ, और मैं पूरा मतलब जो लास्ट ट्रिप कंप्लीट हो गया पूरा दिन मतलब पूरा रात में गाड़ी के अंदर बैठा रहा, दोनों ऐप मेरे ऑनलाइन थे, कोई भी मुझे एक भी बुकिंग आई नहीं। मैंने जो सोचा बोला था आप लोगों को कि मैं कुछ भी होगा रात को बुकिंग होगा नहीं होगा, बट मैं गाड़ी के अंदर ही रहूँगा और आप लोगों को 6 बजे तक मैं अपना जो चैलेंज है वो कंप्लीट
करके दिखाऊंगा। और जो मैंने अर्निंग जो गाइस सोचा था वो अर्निंग मेरा हुआ नहीं, मतलब अच्छा खासा अर्निंग, मतलब रात के एक बजे तक जो डोंबिवली का एक बजे तक रात को अर्निंग हुआ, उसके बाद में गाइस ट्रिप आना बंद हो गया। ना ऐप के अंदर कहीं बुकिंग दिख रहा था, ना ही कहीं पे बुकिंग, ना ओला के अंदर दिख रहा था, ना उबेर के अंदर दिख रहा था। ठीक है, तो काफ़ी देर यहाँ पे बैठा, मैंने बोला 6 बजे हमने निकल, और मेरा उद्देश्य ये था, मेरा नाइट में काम करने का रीज़न ये था कि मुझे ये चेक करना था, मुझे ये देखना था कि ओला उबेर में अभी फिलहाल नाइट में बिजनेस है क्या। तो दोनों में गाइस नाइट में बिजनेस है नहीं, दिन का तो बिजनेस गाइस मार्केट उठ चुका है, दिन में बिजनेस अच्छा खासा दे रहा था। जो सुबह 6 बजे से 6:09 मैंने जो ट्रिप को स्टार्ट किया था, मतलब रात के 1 बजे तक मैंने ट्रिप को कंटिन्यू किया, सिर्फ दोपहर को 1 घंटा 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने गाइस आराम किया, बाकी मैं कंटिन्यू मुझे ट्रिप पे ट्रिप मिलता है, मतलब अर्निंग उठा है, मार्केट उठा है, अर्निंग आ रहा है, बुकिंग आ रहा है, ट्रिप मिल रहा है हमें, बस नाइट में अभी नहीं है। मेरा रीज़न मुझे यही चेक करना था कि नाइट में अगर बिजनेस होएगा तो मैं नाइट में काम करना चालू करूँगा, बट नाइट में बिजनेस नहीं है, नाइट का बिजनेस खत्म, नाइट में फिलहाल बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया गाइस। ठीक है, तो गाइस बताना आप लोगों को कि ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों को कमेंट करना है, आपको बताना है कि मेरा आज का टोटल कितना अर्निंग हुआ, मैंने कितना CNG भरा, कितना मेरा आज का प्रॉफिट हुआ, वो सब चीज़ गाइस आप लोगों को बताना है। तो आपके भाई के लिए आप लोग इतना करोगे मुझे ज़रूर पता है, ठीक है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए सुबह 6 बजे से निकला है घर से, और अभी दूसरे दिन सुबह के 6 बजे, और अभी जस्ट घर पे मैं निकला हूँ घर के लिए, आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि किससे किससे भी ओला उबेर में अर्निंग हो रहा है, ओला उबेर में अर्निंग अच्छा खासा हो रहा है, नो डाउट उसके लिए। बट नाइट का जो मुझे देखना था, नाइट में भी तो सभी फिलहाल है नहीं, जब भी नाइट में मार्केट खुलेगा तो आपका भाई आपके लिए नाइट का भी चैलेंज पूरी तरीके से पूरा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो मेरा टारगेट सोचा था वो टारगेट हुआ नहीं। ठीक है, और गाइस कल जो हमारा वीडियो आने वाला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने जो सबको बताया था कि मैं पिछले 10 दिनों का रिकॉर्ड जो मैंने 10 दिन के अंदर जो अर्निंग किया, जो मैंने मेरा जो गाड़ी का CNG का जो मेरे एक्सपेंस है, कितना सब निकाल के एक उबेर ड्राइवर कितना कमा सकते हैं, वो आपको गाइस कल के वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि आप लोगों को रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि उस वीडियो को पूरा देखना, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा वो देखने, क्योंकि जो भी मैंने 10 दिन का अर्निंग किया है, जो भी मैंने इनकम किया है, जो भी मेरा CNG का गाड़ी का हर चीज़ निकाल के मुझे कितना प्रॉफिट बचा है, वो आने वाली कल की वीडियो में गाइस आपको कल सुबह 9 बजे वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसको जरूर देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को शेयर करना, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि एक ओला उबेर अगर मेहनत करना चाहे तो उसको किस तरीके से कितना अर्निंग मिलता है। ठीक है, तो गाइस मैं अभी आपको बताता हूँ, गाइस सुबह के बज रहे, अभी आपको मैं घड़ी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए गाड़ी रुका के, क्योंकि आंखों में इतनी नींद है गाइस, क्योंकि कल भी परसों रात को लेट गया था। मेरा गाइस मेरे हाथ में घड़ी, और आप देख सकते हो गाइस सुबह के 6:05 हो रहे गाइस, शायद आप लोगों को दिखता होगा, सुबह के 6:05 हो रहे, और मैं भी जस्ट निकला हूँ गाइस घर पे। गाइस अगर 6 घंटे अगर मुझे बुकिंग मिल जाता था ना गाइस, तो मैंने जो टारगेट सोचा ना वो टारगेट मेरा कम्प्लीट हो जाता था, जिस तरीके से मुझे पता है, तो मुझे पता है कितने कम उसके अंदर अर्निंग कम हुआ। अगर 6 घंटे में अगर मुझे 2-3 भी ट्रिप मिल जाता था गाइस, तो भी मेरा टारगेट, मतलब जो था मैंने सोचा था वो टारगेट मेरा गाइस इजीली पूरा हो जाता था, और प्लस मेरा जो उबेर का जो प्रमोशन था गाइस वो भी मुझे मिला नहीं, अगर वो भी मेरा प्रमोशन कम्प्लीट हो जाता था तो भी उसके अंदर से भी मेरा आराम से जो मैंने टारगेट सोचा था गाइस, वो टारगेट मेरा आराम से इजीली पूरा हो जाता था। बट नसीब खराब कि 6 घंटा मुझे कोई भी बुकिंग मिला नहीं, उसकी वजह से जो मैंने टारगेट सोचा था वो टारगेट मेरा पूरा हुआ नहीं गाइस। लगभग गाइस मैंने 15 ट्रिप कंप्लीट किए, तो आप समझ सकते हो कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, आपका भाई, आपका छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, तो भाई के वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नहीं तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस कल एक नए वीडियो में, कल का वीडियो गाइस जरूर देखना। तो निकलते हैं गाइस घर पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।